हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आज का राशिफल, यानी कि 2 जुलाई 2024 का राशिफल। आज का दिन कैसा रहेगा, नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देंगे, आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं ग्रह स्थितियों को। तो ग्रह स्थितियों की बात करें तो सूर्य आज मिथुन में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा पहले तो मेष राशि में गोचर करेंगे 11:13 तक। इसके बाद वृषभ राशि यानी कि शुक्र की राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और आज चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं, कृतिका नक्षत्र में। और कृतिका नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है, क्या प्रभाव आज मिलेगा वो भी समझेंगे। और मंगल की बात करें तो मंगल अपनी ही राशि मेष में गोचर कर रहे हैं और बुध अपनी राशि मिथुन में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वृषभ में गोचर कर रहे हैं। शुक्र मिथुन में गोचर कर रहे हैं। शनि कुंभ, राहु मीन और केतु कन्या में गोचर कर रहे हैं। ये हैं ग्रह स्थितियां। तो देखा जाए तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और आज के दिन को कहा जा सकता है कि जहाँ एक तरफ 7:30 से आप कुछ लोग परेशान हैं और कुछ लोग मालामाल भी हैं, क्योंकि एक चीज़ देखिए कि वही काम अब जो चोरी करते हैं, चोर होते हैं, उनके लिए तो भाई बहुत वही बढ़िया काम है, सबसे अच्छा काम है, बड़े लगन से करते हैं, पर वास्तविकता में गलत है ना। तो इसलिए आप जो है तो 7:30 में बहुत लोग तो मालामाल हो चुके हैं और हो रहे हैं अभी, और बहुत लोग परेशान भी हैं। तो जो लोग परेशान हैं ना, उनके लिए ये समय बहुत बढ़िया है। आज का दिन आपको कहीं ना कहीं धन लाभ दे के जाएगा। आज का दिन ऐसा दिन है कि आपकी कुछ इच्छाएं, आपके कुछ जो ड्रीम हैं वो पूरे हो सकते हैं। आप सोच रहे थे कि मैं यहाँ घूमने जाने वाला, वैसे जाने को समय नहीं मिल रहा है, व्यवस्था नहीं हो रही, पूरा हो गया। तो आज का दिन आपका ड्रीम पूरा करने का है। आज जो लोग लव पार्टनर हैं उनके लिए भी समय एक ऐसा समय है कि यदि ब्रेकअप हो गया था तो पैचअप की स्थिति बन सकती है। और विद्यार्थियों के लिए तो बहुत श्रेष्ठ समय है, विद्यार्थियों के लिए वो समय है जो कि झंडा गाड़ सकते हैं विद्यार्थी। और लव ये मैरिज लाइफ के लिए, दाम्पत्य हैं यदि आप तो दाम्पत्यों के लिए भी समय ठीक कहा जाएगा। दाम्पत्यों के लिए आज प्रेम में वृद्धि और आपस में सुलह की स्थिति बनने की संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं। व्यापारियों को धन लाभ, व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी, परंतु व्यापार में थोड़ा सा आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि मध्याह्न के पहले तक थोड़ा सजग रहना होगा। मध्याह्न के पहले तक थोड़ी सावधानी, चाहे आप व्यापारी पार्टनर हो चाहे जीवन पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, तो दोनों को मध्याह्न के पूर्व थोड़ा सा सावधान रहना है। और देखा जाए तो आज मुख्य रूप से स्थितियां ये बनने वाली हैं कि व्यापारियों को विशेष लाभ मिल सकता है। और यदि आप आए दिन कुछ रोगों से, एक रोग ख़त्म हुआ फिर दूसरा चालू हुआ, कुछ न कुछ रोग बना रहता है, बाधा बनी रहती है, तो आज रोग से भी मुक्ति प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। तो देखा जाए तो लगभग सभी स्थितियां अनुकूल हैं। बस वही चीज़ है कि जब समय अच्छा होता है तभी हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, और इसीलिए कोई भी कर्म कर रहे हैं उसमें अपनी खुद की नज़र रखिए, यानी कि खुद का लेखा जोखा रखिए कि मैं क्या सही कर रहा हूँ या क्या गलत कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखें। समय आज बहुत अच्छा है, बस ज़रूरत है अपने आप को, खुद को समझने की। क्योंकि व्यक्ति जब समय अच्छा होता है ना, आज मैंने कहा कि ऐसा होना था, हो गया, तब फिर वो हाँ मैं जो कहूँगा वही होता है, तो कुछ भी कह देता है। मेरा कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। तो समय बढ़िया है, इसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं। उपाय की बात करें प्रिय दर्शकों, तो हनुमान जी की आराधना ही सर्वश्रेष्ठ रहेगी, आप कर ही रहे होंगे, बस एक पाठ और बढ़ा दीजिए हनुमान चालीसा का, इसी से कल्याण हो जाएगा। भगवान के दर्शन कर लीजिए, भगवान के दर्शन का बड़ा महत्व है, इसलिए संभवतः हर एक व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए।
कि जितना हो सके तो भगवान के दर्शन अवश्य हर दिन तो कर ही लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो जिस दिन समय मिले फिर कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि भगवान ने आपको जीवन दिया है और उन्हीं के दर्शन करने के लिए आपके पास समय नहीं है। बड़ी विचित्र बात है, थोड़ा समय निकालिए, ये ज़िंदगी चली जानी है और समय कभी नहीं लगना है। हम ये जोड़ते जोड़ते, धन संपत्ति जोड़ते जोड़ते पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं और बस फिर जब बूढ़े हो जाते हैं तो फिर चला ही नहीं होता, फिर लगता है कि अरे ये पैर दर्द कर रहा कैसे पहुँचेंगे, तब लगता है कोई हमको पहुँचा दे वहाँ भगवान तक, थोड़ा दर्शन कर लें। इसलिए यदि आप अभी युवा हैं तो बहुत अच्छा समय है, जित जो भी हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए भगवान के दर्शन के। तो बस यही करिए, कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।